ओके। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक कहां तक हुआ था? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में लास्ट टॉपिक कहां तक हुआ था? पैंटोग्राफ्स ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आईएमपी करके कुछ लिखवाए थे हम लोग को, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट टॉपिक्स का। ओके। ठीक है, नोट्स आपको भेजे थे आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में, वो नोट्स अपने पास रखना है। उससे क्या होगा, जो लिखाएंगे वो आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो ट्रैक्शन सप्लाई सिस्टम को एक बार और हम लोग डिटेल से देखेंगे। ट्रैक्शन सप्लाई सिस्टम आपका जो है, ठीक है, तो आपके पास जो नोट्स है वही सब पॉइंट्स है आपके पास लिखा रहेगा सामने, तो बस उसको एक्सप्लेन कर देंगे, लिखाने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में जो आपका पहला टॉपिक है उसको आज हम लोग वहां से देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रैक्शन सप्लाई सिस्टम। अब है क्या ना कि ट्रैक्शन सप्लाई सिस्टम में कौन कौन सा सप्लाई सिस्टम हम लोग यूज करते थे और करते हैं उनके बारे में डिटेल है ये पेपर। बहुत सारा पोर्शन ये पेपर का थ्योरेटिकल है एकदम, तो उसी तरह ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक तरह से ट्रैक्शन सिस्टम की हिस्ट्री को जानना है और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा ट्रैक्शन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में डिटेल्स जानना है। ठीक है, तो जो नोट्स है आपके पास पीडीएफ में वो सब लोग अपने सामने रखिएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें है क्या, इसमें पहले इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग पीरियड के बारे में, यानी हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन है इन अर्लियर पीरियड्स 1925 to 29, पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रैक्शन वाज ऑब्टेंड फ्रॉम द रोटरी कन्वर्टर सबस्टेशन, 750 वोल्ट रोटरी कन्वर्टर्स टू इन नंबर वेर यूज टू सप्लाई अ पावर एट 1500 वोल्ट वर्किंग इन सीरीज। ठीक है, अब देखो पहला जो मतलब है ना, अभी हमने देखा स्टार्टिंग में आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी क्लासेस लिया था ट्रैक्शन का, उसमें मैंने बताया था कि जनरल सिस्टम जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, अभी जो हमारे यहाँ सिस्टम जो अडॉप्ट हो रहा है या यूनिवर्सली ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सिस्टम हम लोग अभी सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है बताइए। पिछले क्लासेस में बता चुके हैं कौन सा सिस्टम यूनिवर्सली हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैक्शन। हाँ, सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ट्ज सिस्टम। ठीक है, 25 kV यानी 25,000 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सिस्टम को यूनिवर्सली हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो पिछले क्लासेस में ये भी आपको बता चुके थे, पिछले क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बता चुके थे कि हम लोग 25 kV एसी सप्लाई सिस्टम रखते हैं, लेकिन इंजन के अंदर डीसी सीरीज मोटर लगा रहता है, उसका अपना ही फायदा है। आपको वो बता चुके हैं एसी मशीन के क्लास में, आपको बताए थे एसी मशीन के क्लास में कि कैसे डीसी सीरीज मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमें कैसे मिलता है, टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाला था। तो हमने देखा था कि किसी कारण से लोड बढ़ने के कारण अगर स्पीड कम होता है तो अपने आप टॉर्क बढ़ के उस स्पीड को मेकअप कर देता है। और भी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क डीसी मशीन्स में डीसी सीरीज मोटर का बेहतर होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत बेहतर होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी जितना लोड हम बढ़ाएंगे जितना करंट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर इस पे हम लोग गौर करें ना, डीसी सीरीज मोटर के साथ जुड़ी हुई एक और खासियत होती है जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में मैंने आपको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था कि यहां स्पीड है ये टॉर्क है। तो इसमें हमने देखा था कि इसका ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह का होता है, और नतीजा होता है कि जनरल टेंडेंसी हर एक मोटर की टेंडेंसी होती है कि उस पर अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो उसका स्पीड डिक्रीज करने लगेगा। तो लोड बढ़ने की वजह से अब ट्रेन्स में क्या है, पैसेंजर बढ़ने लगे, लगेज बढ़ने लगा, लोड बढ़ा, लोड बढ़ने की वजह से स्पीड डिक्रीज करने लगा, लेकिन जैसे ही स्पीड ज्यादा डिक्रीज करेगा इधर टॉर्क बढ़ने लगेगा, और टॉर्क बढ़ के क्योंकि
टॉर्क ही वो कारण है जो किसी व्हील को रोटेशन में लाता है, किसी सर्कुलर बॉडी को रोटेशन में लाता है, तो यहाँ टॉर्क बढ़ के उसको मेंटेन करने लगेगा। इसलिए भी डीसी सीरीज मोटर हम लोग प्रेफर करते हैं। और एक और कारण है, अगर आपने लेटेस्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे, अभी सबसे नया वाला लेक्चर टॉर्क इक्वेशन का, जिन लोगों ने उसको देखा होगा उन लोगों ने देखा होगा वहां पे कि टॉर्क का जो इक्वेशन आता है वहां पर जो रिलेशन हम लोग निकालते हैं, तो डीसी सीरीज के केस में जो डिपेंडेंस इक्वेशन आता है आर्मेचर टॉर्क का, डीसी सीरीज के केस में जो डिपेंडेंस इक्वेशन आता है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन ये रहता है, ये है जनरल एक्सप्रेशन जो हर मोटर के लिए वैलिड है। लेकिन जैसे ही डीसी सीरीज मोटर में हम लोग जाएंगे तो वहां क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर में ये जो डिपेंडेंस इक्वेशन है ना वो बन जाता है ये, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग सीरीज में लगी हुई है और वहां सीरीज करंट में आर्मेचर करंट और सीरीज करंट दोनों सेम है, और हम जानते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और डीसी सीरीज मोटर के केस में फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए हो जाता है, और यही आईए उठा के जनरल फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है। वहीं डीसी शंट मोटर के केस में यही आर्मेचर करंट सिर्फ आईए के प्रोपोर्शनल होता है। अब नतीजा क्या होता है, देखो नतीजा क्या होता है कि अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें ना, टॉर्क और आर्मेचर करंट का ग्राफ हम प्लॉट करें, टॉर्क और टॉर्क में भी आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो होगा क्या यहां पे, तो यहां पे देखिए डीसी सीरीज मोटर के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए ये डिपेंडेंस इक्वेशन आपको मिल रहा है, यानी ये कर्व कैसा होगा, तो ये कर्व आपका इस तरह का होगा। अब होता क्या है, लोड बढ़ेगा, अगर डीसी सीरीज मोटर पे लोड बढ़ रहा है, सपोज दैट आपका जो ट्रेन है उस ट्रेन के अंदर, उस लोकोमोटिव के अंदर डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ है, डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ है, इस डीसी सीरीज मोटर को प्लस बी वोल्ट हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, सर्किट करंट आई जा रहा है, और यहां पे क्या है, सीरीज आपकी फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होगी, यहां पे फील्ड वाइंडिंग आपकी सीरीज में है, फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है, तो नतीजा होगा कि यही करंट आई जो है, यही करंट आपका आईए भी है और यही करंट सीरीज फील्ड करंट भी है, यानी इस केस में आई इज इक्वल टू आईए इज इक्वल टू आई एसी। अब होगा क्या कि इस पर जो मैकेनिकल लोड है आपके लोकोमोटिव के अंदर लगा हुआ है, तो जाहिर है उस लोकोमोटिव के अंदर ट्रेन पे लोग बैठ रहे हैं, मैकेनिकल लोड बढ़ रहा है, इस मैकेनिकल लोड को फुलफिल कौन कर रहा है, तो जाहिर है ये मोटर है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दे रहे हैं और मैकेनिकल पावर आउटपुट है, यानी मैकेनिकल पावर को हम किससे फुलफिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर से, तो अगर मैकेनिकल लोड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल पावर कैसे बढ़ाएंगे, वोल्टेज तो सेम रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज को तो बदल नहीं सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर कैसे बढ़ेगा, तो अपने आप करंट ज्यादा ड्रॉ होने लगेगा। समझ में आ रहा है, डीसी सीरीज मोटर हम लोग सबसे ज्यादा लोकोमोटिव पे यूज करते हैं, मोर देन 95% हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। अगर आपके लोकोमोटिव के अंदर डीसी सीरीज मोटर है तो जाहिर है मोटर है, यानी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब लोड बढ़ गया, पैसेंजर्स बढ़ गए, लगेज बढ़ गया, लोड बढ़ गया तो आपके आउटपुट साइड में मैकेनिकल पावर बढ़ रहा है, मैकेनिकल पावर हमें ज्यादा देना होगा ट्रेन को चलाने के लिए, और मैकेनिकल पावर ज्यादा कहां से देंगे, तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल पावर से ही देंगे। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, तो V into I है, V तो टर्मिनल वोल्टेज है, V को तो हम लोग वैरी कराएंगे नहीं, तो अपने आप कौन बढ़ेगा, अपने आप करंट बढ़ने लगेगा, और करंट बढ़ने का मतलब है ये करंट बढ़ रहा है तो यही तो IA है, यही तो ISC है, यानी कहीं ना कहीं लोड बढ़ने के साथ करंट बढ़ रहा है, और करंट बढ़ रहा है तो देखो टॉर्क कितना बढ़ा हुआ मिल रहा है। स्टार्टिंग में करंट बढ़ रहा है तो चलो टॉर्क कम है, लेकिन यहां के बाद से देखो करंट जितना ज्यादा बढ़ रहा है टॉर्क उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब लोड जितना ज्यादा बढ़ेगा करंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, और करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा तो इस इक्वेशन से टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, यानी मशीन को हम जितना लोडेड करेंगे उतना ही बेटर टॉर्क हमें मिलेगा, तो ट्रेन के लिए यही तो चाहिए। नॉर्मल केसेस में क्या होता था, नॉर्मल मोटर के साथ क्या होगा, तो नॉर्मल मोटर की टेंडेंसी रहती है कि लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगा,
लेकिन डीसी सीरीज मोटर के साथ खासियत क्या है कि जितना भी लोड बढ़ाएंगे टॉर्क उतना ही बेटर होगा और उतने ही अच्छे से आपका मशीन चलेगा, उतना ही स्पीड मेंटेन होगा। इसी कारण से डीसी सीरीज मोटर को इन दो कारणों से, एक तो ये स्पीड कम हुआ तो टॉर्क बढ़ने लगा, दूसरा जितना ज्यादा लोडेड करेंगे उतना आपका करंट बढ़ेगा, उतना ही बेटर टॉर्क आपको मिलेगा इस मशीन को जितना लोडेड करेंगे। इसी कारण से डीसी सीरीज मोटर को सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में। लेकिन अब होता क्या है, सप्लाई सिस्टम हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेते हैं, जो सप्लाई अथॉरिटीज से लेते हैं, तो पूरा सप्लाई सिस्टम हमारा थ्री फेज सप्लाई सिस्टम ही है, यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। तो जाहिर है सप्लाई सिस्टम पूरा का पूरा थ्री फेज है, तो रेलवे के ट्रैक्शन को भी सप्लाई हम लोग और थ्री फेज है और एसी है, तो रेलवे के ट्रैक्शन को भी हम लोग एसी ही देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सली अडॉप्टेड क्या है, थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हर जगह पावर सिस्टम में यूज होता है। तो इसी के वजह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज से जो इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग लेते हैं वो एसी के फॉर्म में ही लेते हैं। एसी हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपके लोकोमोटिव का अंदर का, लोकोमोटिव के अंदर का जो मोटर है ना वो डीसी मोटर है। अब जाहिर है इसका मतलब क्या है कि लोकोमोटिव के अंदर आपको एसी से डीसी का कन्वर्शन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहले क्या करते थे हम लोग पुराने सिस्टम में, जो आपको टाइम दिया हुआ है 1925 से, देखिए कहां तक दिया हुआ है, 1929 तक, उस समय हम लोग इस कन्वर्शन प्रोसेस के लिए रोटरी कन्वर्शन कन्वर्टर्स को हम लोग यूज करते थे। उस समय इस तरह से रेक्टिफायर, हाई क्वालिटी का रेक्टिफायर अवेलेबल नहीं रहता था, तो उस समय मर्करी आर्क रेक्टिफायर यूज होता था। ठीक है, तो हिस्टोरिकली पहला पॉइंट उसी के बारे में बताया हुआ है कि पुराने टाइम में हम लोग रोटरी कन्वर्टर्स यूज करते थे अलग अलग सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम वॉज यूज फॉर दीज कन्वर्टर फ्रॉम रिमोट कंट्रोल सेंटर्स। ठीक है, अब रिमोट कंट्रोल सिस्टम हम लोग यूज करते थे इन कन्वर्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, जो रोटरी कन्वर्टर्स वगैरह हम लोग यूज करते थे ना, इन कन्वर्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट की प्रॉपर कन्वर्शन हम लोग जहां जरूरत हो एसी टू डीसी और फर्दर जहां जरूरत हो वापस डीसी टू एसी भी हम लोग करते हैं, वहां पे उनके लिए कन्वर्टर्स हम लोग यूज करते हैं। ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। थर्ड पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, इन अर्लियर रेलवे रोड्स वेयर मुंबई टू कल्याण फर्दर अप टू पुणे, मुंबई टू इगतपुरी ऑन सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे, द रूट वेयर फ्रॉम मुंबई टू बोरीवली। ठीक है, तो ये कुछ रूट्स के बारे में दिया हुआ है जो इंडिया में सबसे पहले हमने अडॉप्ट किया था। सबसे पहली ट्रेन कब चली थी मुंबई से थाने के बीच में, हैव यू एनी आइडिया? सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी कब चली थी, किसी को आइडिया है? सोचो ध्यान से सोचो कि 1853। यस, ठीक है, तो वो कुछ कुछ एरियाज के बारे में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन सा हम लोग यूज करते थे। ये पहला वाला जो है ना इंट्रोडक्शन, ये पूरी तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो अभी मैंने चर्चा की अगले पॉइंट में, क्या है, द MAR, दैट इज मर्करी आर्क रेक्टिफायर। तो अभी आपको बता चुके हैं कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एसी सप्लाई हम लोग देते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में, क्योंकि हमारा पूरा पावर सप्लाई एसी ही है, लेकिन ट्रैक्शन लोकोमोटिव के अंदर डीसी सीरीज मोटर होता है, उसके अपने फायदे हैं, तो जाहिर है हमें रेक्टिफाई करना होगा। और आपको बता चुके हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर इतने हाई पावर के लिए 25,000 वोल्ट के लिए हम लोग नहीं डिजाइन कर सकते थे, पहले उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर उतनी हाई कैपेसिटी हाई रेटिंग का हम लोग बना सकें। तो उस समय मर्करी आर्क रेक्टिफायर यूज होता था, उसी के बारे में है, उसको MAR बोला जाता है, यानी मर्करी आर्क रेक्टिफायर। तो मर्करी आर्क रेक्टिफायर यूनिट्स came into play as electric source for traction work. The first route was Mumbai Madras to Tambaram. ठीक है, तो मर्करी आर्क रेक्टिफायर्स को हमने जब यूज करना शुरू किया, और हाँ उससे पहले ध्यान देना है, उससे पहले 1925 में साइक्लिक कन्वर्टर हम लोग यूज करते थे, जो मर्करी आर्क रेक्टिफायर से थोड़ा डिफरेंट होता था। वहां क्या है, जिस तरह कॉम्यूटेटर में, डीसी मशीन के कॉम्यूटेटर में रोटेशन का फायदा उठा के हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं, यानी एसी टू डीसी कन्वर्शन करते हैं, कुछ हद तक साइक्लिक कन्वर्टर भी वैसे ही वर्क करता था पुराने समय में।
साइक्लिक कन्वर्टर में भी एक मशीन को हम लोग रोटेट कराते थे, और जिस तरह कम्यूटेटर में कम्यूटेटिंग एक्शन होता है, और कम्यूटेटर में हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसी तरह पहले साइक्लिक कन्वर्टर में किया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने मरकरी आयरन रेक्टिफायर के बारे में जाना, और पहला रूट मद्रास से ताम्बरम के बीच में यूज हुआ, जहाँ मरकरी आयरन रेक्टिफायर वाइडली यूज होने लगा। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में चले आए। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, उसका एक और नाम है। डू यू नो दैट नेम? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का एक और नाम है, पता है किसी को? किसी को भी मालूम है ना? कोशिश करो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको पढ़ाया जाता है ना, उसकी शुरुआत में एक और नाम बताया जाता है, दैट इज सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो होता क्या है, जब शुरुआत में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको ढंग से पढ़ाया गया होता तो आपको बताया जाता कि सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको क्रिस्टल लैटिस पढ़ाया जाता है, तब बताया जाता है कि किस तरह इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में क्या अंतर है, उनका लैटिस अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसे वो सॉलिड है लेकिन अरेंजमेंट में अंतर होता है, कैसे कौन सा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, कौन सा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, कौन सा हेक्सागोनल क्यूबिक लैटिस है, कौन सा सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ये सारी चीजें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अच्छे से पढ़ाया गया होता तो आपको जरूर बताया गया होता। तो सॉलिड स्टेट, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस को हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी कहते हैं। अगर किसी ने नया नया लैपटॉप खरीदा होगा अभी, तो लैपटॉप में जाके देखना, नए लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन जो दिया जाता है, तो पुराने लैपटॉप में एसएसडी रहता था, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, अभी भी यूज होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन नए लैपटॉप में सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज होने लगा है, जहां कोई भी रोटेटिंग पार्ट आपके हार्ड डिस्क में नहीं है। ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग फायदा उठाते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, इसीलिए हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी लोग यूज करने लगे। तो ठीक है, उसी के बारे में है। इन रिसेंट पीरियड्स The solid state devices are finding increasing use for rectifier substations. ठीक है, in the rectifier substations. तो वो कह रहा है यहाँ पे कि recent period में, यानी नए time में solid state devices को हम लोग use कर रहे हैं ज़्यादा, यानी electronic devices को use कर रहे हैं for the purpose of rectification at substation. ठीक है, तो ये अब ज़्यादा use होने लगा है जो आपका solid state device है। इसको और zoom कर दें। तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी अब ज्यादा यूज होने लगा है। चलो उसके आगे क्या है, तो नाउअडेज अ ह्यूज इलेक्ट्रिक पावर इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन द कंट्री ऑफ वोल्टेज रेंज 25 केवी इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। और इसी के बारे में बताया गया है कि ग्रेजुअली अब हम लोग कहां आ गए, तो अब हमें जो ट्रैक्शन सिस्टम चाहिए वहां ह्यूज पावर रिक्वायरमेंट होता है। क्यों ह्यूज पावर रिक्वायरमेंट होता है? क्योंकि 25,000 वोल्ट पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, पूरे ट्रेन का मूवमेंट कराना है, पूरे ट्रेन के मास को मूव कराना है इनर्शिया के अगेंस्ट, और उसको आपको कैरी ऑन कराना है, यानी हायर वोल्टेज, और जाहिर है लोड ज्यादा है तो हायर करंट भी फ्लो करेगा, और जैसे ही हायर वोल्टेज है हायर करंट है, तो आपको पता है पावर वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीपल होता है, यानी हाई पावर एप्लीकेशंस में और खासकर इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी सिस्टम पे आपको काम करना है। इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी सिस्टम कितना है, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज सिस्टम हमारा इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी सिस्टम है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में बताया गया है। अब उसको बताया गया कि कैसे इस डिमांड को हम लोग फुलफिल करेंगे, तो उसके बारे में है। द डिमांड इज मेट with various regional power supply system forming a grid. अब इस demand को कैसे हम लोग fulfill करते हैं? जो electric traction में आपका demand है कि इतना high energy, high power आपको चाहिए आपके traction को properly run कराने के लिए पूरे India में, पूरे all over India में। तो कैसे हम लोग fulfill करते हैं? तो आपका जो grid system बना हुआ है India में, power supply का grid system बना हुआ है। Grid system क्या है? पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लोग
हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, लोड को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए और पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को अनइंटरप्टेड चलाने के लिए हम लोग सारे पावर स्टेशन और सारे लोड सेंटर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये जाल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम ग्रिड है। ग्रिड का मतलब जाल की तरह का स्ट्रक्चर। तो सारा लोड सेंटर, सारा जनरेटिंग स्टेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है सो दैट अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल सके, लोड को हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर सके। तो ये ग्रिड सिस्टम को हमने ऑल ओवर इंडिया में, हमारे ग्रिड सिस्टम को मैनेज करती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। और PGCIL ने पूरे कंट्री को अलग अलग रीजनल ग्रिड में बांट रखा है, जैसे नॉर्दर्न ग्रिड, साउदर्न ग्रिड, आपका नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड, ईस्ट सेंट्रल ग्रिड, इस तरह से पूरे ग्रिड सिस्टम को अलग अलग रीजन में बांट रखा गया है। और अलग अलग रीजन के रीजनल ग्रिड से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को यानी रेलवे को सप्लाई मिलता है सो दैट कि ये जो हायर डिमांड है इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रैक्शन सिस्टम को रन करने के लिए वो फुलफिल हम लोग कर सकें। ठीक है, लास्ट पॉइंट में इसके आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या है, वेरियस एनर्जी कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट्स लाइक थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन आर अवेलेबल इन द कंट्री टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर टू ट्रैक्शन सब स्टेशन। तो जाहिर है अलग अलग एनर्जी हम लोग लगाए रहते हैं, अलग अलग एनर्जी कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हम लोग लगाए रहते हैं जहाँ हर जगह मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे हम लोग स्टीम क्रिएट करके करें तो वहाँ क्या होता है, कोल की थर्मल एनर्जी को, कोल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी से हम लोग स्टीम क्रिएट करते हैं और स्टीम के वजह से मैकेनिकल मोशन हम लोग प्राइम मूवर का कराते हैं और टर्बाइन को रोटेट करा के फर्दर हम लोग अल्टरनेटर के अंदर पावर जनरेट करते हैं। तो चाहे हम लोग थर्मल पावर स्टेशन से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से या डीजल पावर स्टेशन से या न्यूक्लियर पावर स्टेशन से हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके इन चीजों को हम लोग फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब आ जाइए constituents of the supply system, जो आपके power supply arrangement पहले unit का एक part है, topic दे दीजिए वही constituents of the supply system। तो supply system क्या 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 constituent होता है, क्या क्या parts होता है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। constituent of the supply system, ठीक है, तो सप्लाई सिस्टम जो आपका है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे उन्हें हमें देखना है। तो डेफिनेटली पहला क्या होगा, सबस्टेशंस होगा, सबस्टेशंस के बाद फीडिंग पोस्ट होगा जहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फीड करेंगे लोकोमोटिव तक। जिस तरह पावर सिस्टम में हम लोग पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंडक्टर्स को उनके काम के हिसाब से हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स का जो नेम अलॉट होता है ना वो उनके काम के हिसाब से होता है। तो पावर सिस्टम में और खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग कंडक्टर्स का नाम देते हैं, ट्रांसमीटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फीडर्स। तो ये उनके पर्पस पे है। जो कंडक्टर ट्रांसमिशन का काम कर रहा है वो ट्रांसमीटर्स है, जो कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और जो कंडक्टर नियरेस्ट सब स्टेशन से कंज्यूमर तक पावर को फीड करने के लिए ले जाता है वो फीडर है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ा होगा कि फलना एरिया का फीडर फेल हो गया या फीडर डिस्कनेक्ट हो गया या फीडर में फॉल्ट आ गया। तो फीडर क्या है, हर एक कॉलोनी में जैसे पटना में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से कंज्यूमर तक पावर पहुंचाने के लिए जो कंडक्टर लाइन है उसको हम लोग फीडर बोलते हैं। तो यहाँ भी पावर को फीड करेंगे, फीड करने के लिए फीडिंग पोस्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई में पहला हो गया सब स्टेशन, दूसरा हो गया फीडिंग पोस्ट, ये लिखाने गए क्योंकि नोट्स आपके पास है उससे आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, थर्ड वन इज फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीडिंग का अरेंजमेंट हम लोग करेंगे और सेक्शनिंग के बारे में आपको कल बता चुके हैं कि किस तरह हमारी जरूरत होती है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में लोड को बैलेंस करना, और लोड को बैलेंस करने के लिए थ्री फेज सिस्टम में लोड बैलेंस हो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैपिंग का सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि अल्टरनेट सब स्टेशन को, एडजेसेंट सब स्टेशन को हम एक फेज सीक्वेंस से सप्लाई देते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। जैसे एक सब स्टेशन को आर फेज से टैप करके हमने सप्लाई दिया, उसके जस्ट एडजेसेंट वाले को वाई फेज से
टैप करके सप्लाई देंगे, उसके जस्ट एडजस्टमेंट वाले को बीफे से सप्लाई करके टैप करेंगे, और ये साइक्लिक ऑर्डर में कंटिन्यू चलता रहेगा सो दैट कि हमारा लोड ऑलमोस्ट बैलेंस्ड रहे। ठीक है, जाहिर है पहले कल के क्लास में बता चुके हैं कि ये लोड अगर डायरेक्टली एक ही लाइन पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे इन सारे फेजेस को तो एक सीवियर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो नतीजा है कि हर एक फेजेस को जो एडजेसेंट सबस्टेशन में है, हर एक अलग अलग फेजेस को हमें सेपरेट करना पड़ता है, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं। और सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फेजेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यस न्यूट्रल सेक्शन यूज करते हैं, और सेक्शन इंसुलेटर्स के हेल्प से हम लोग न्यूट्रल सेक्शन को यूज करते हैं। तो इसी के बारे में है, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट, अलग अलग सेक्शन हमें क्रिएट करना रहता है, तो फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई का पार्ट है। दूसरा क्या है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, अब वहां जाके हम लोग देखेंगे, बताएंगे आगे चल के आपको डिटेल। पैरेलल पोस्ट हम लोग यूज करते हैं और सब सेक्शनिंग हम लोग पोस्ट यूज करते हैं। ठीक है, फिर सब सेक्शनिंग पोस्ट एंड एलिमेंट्री सेक्शन, आगे चल के आपको बताएंगे एलिमेंट्री सेक्शन क्या है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो आपका यही है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पावर सप्लाई, एक एक करके उनको डिटेल्स में देखना है। अब उसके बाद में टॉपिक दे दीजिए सब स्टेशन, एक एक करके सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे सब स्टेशन। और सब स्टेशन कौन सा है, तो ट्रैक्शन सब स्टेशन। लिखाने की जरूरत है या आप लोग लिख लीजिएगा उससे जो नोट्स भेजे हैं? हाँ, टाइम बचेगा इससे, क्योंकि ये इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत ज्यादा है, इस पेपर में लिखने का चीज बहुत ज्यादा है, तो कम से कम उन चीजों से हम लोग बचे, आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स से जो भेजे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में है। अब सब स्टेशन है क्या, उसके बारे में डिटेल है। तो इन ईच सब स्टेशन द फीडिंग लाइन ऑफ 132 kV कम्स फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन, और 132 ही नहीं 220 kV का भी लाइन हम लोग लाते हैं फीडिंग लाइन। फीडिंग लाइन हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो जनरेटिंग स्टेशन से ट्रैक्शन सब स्टेशन तक हम लोग लाते हैं। और ये काम कौन करती है, तो ये पावर सप्लाई अथॉरिटीज करती है। पावर सप्लाई अथॉरिटीज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपना के जनरेटिंग स्टेशन के जनरेट किए हुए इलेक्ट्रिकल पावर को हमारे ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पहुंचाती है। तो हमेशा याद रखना है कौन सा रोल किसका है, हमारे ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पावर पहुंचाने का रोल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अथॉरिटीज का है, चाहे वो सेंट्रल सप्लाई अथॉरिटीज हो, चाहे स्टेट सप्लाई अथॉरिटीज हो, जिनसे हम लोग पावर परचेस करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, ये उनका जिम्मा है कि हमारे ट्रैक्शन सब स्टेशन तक 220 केवी लाइन या 132 केवी लाइन से पावर सप्लाई पहुंचाए। सेकेंड पॉइंट क्या है, ईच सच अ सब स्टेशन राइट फ्रॉम इनकमिंग 132 केवी लाइन टू 25 केवी लाइन तो फीडिंग पोस्ट वेरियस इक्विपमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो अब सारे सब स्टेशन में क्या होता है, ये 132 केवी लाइन से जाहिर है कहां तक स्टेप डाउन करके हम लोग लाएंगे, 132 केवी को कहां तक स्टेप डाउन करके हम लाएंगे बताइए, स्टेप डाउन करके कहां तक लाएंगे, किस वोल्टेज तक? Yes, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम 25 केवी पर रन कर रहा है। हम लोग जो सप्लाई देते हैं ना ओएची में, पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि इस तरह आपका ओएची होगा, ओएची में आपका कंडक्टर वायर होगा, कॉन्टैक्ट वायर होगा, कैटेनरी होगा, और इस तरह ड्रॉपर्स होगा अलग अलग लेंथ का, जिनको सेपरेटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ ओएची में हम लोग 25 केवी यानी 25,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं।